समाचार पढ़ी रहा छे सिद्धार्थ मंदिर नचिंदा विवाद तो वायरल वीडियो नो मामले मोहम्मद गजनी सोमनाथ मंदिर ने लूटिया की घटना ने बिरदाव तो वीडियो वायरल करियो छे। वीडियो बनाम नाम युवक नाम इरशाद हुसैन छे। सोमनाथ नाम दरिया किनारे युवक के मोहम्मद गजनी ए मंदिर ने लूटिया की घटना ने बिरदाव तो भड़का वीडियो बनावी ने वायरल करियो छे। सोमनाथ मंदिर नजीक ना विवादित वायरल वीडियो ना मामले मोहम्मद गजनी ए सोमनाथ मंदिर ने लूटिया की घटना ने बिरदाव तो वीडियो वायरल करियो छे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आए हैं सोमनाथ जो गुजरात के अंदर होता है और कभी जिसे महमूद गजनवी और मोहम्मद इब्न कासिम ने फतह किया था। आप ये देख सकते हैं सामने ही मंदिर नज़र आ रहा है। ये सामने मंदिर है, ये सोमनाथ का मंदिर कहा जाता है इसको, जिसे महमूद गजनवी वगैरह ने फतह किया था और मोहम्मद इब्न कासिम का लश्कर भी दरिया के किनारे से यहीं आया था। और ये दरिया है जो करीब में पाकिस्तानी मुल्क और इसी तरीके से दीगर ममालिक को जोड़ता है अपने साथ में। ये सोमनाथ मंदिर है, ये आप देख रहे हैं, ये सोमनाथ मंदिर है जिसे महमूद गजनवी की तारीख जो आप पढ़ते हैं आप हजरात, और पढ़नी चाहिए हमें मोहम्मद इब्न कासिम, अल्लाह के शुक्र है कि मुसलमानों की जो तारीख़ है वो रोशन तारीख है, हमें किसी भी एतबार से न दबने की न झुकने की किसी भी एतबार से नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असलाफ ने बड़े नुमाया कारनामे अंजाम दिए थे, हमें चाहिए कि हम उन कारनामों को ख़ुद भी पढ़ें और दूसरों को भी उसको पढ़ाएं और दिखाएं कि हमारे कारनामे अल्हम्दुलिल्लाह रोशन बाब के अंदर लिखे हुए हैं। अब ज़रूरत है कि ये जो नस्ल इस वक्त में नस्ल नौ चल रही है, ये भी अपने असलाफ के अपने आबा व अजदाद के वो तारीख़ी कारनामे, जिस तरीके से मोहम्मद इब्ने कासिम ने दरिया को पार किया और पूरे हिंदुस्तान को फतह किया और इसी तरह महमूद गजनवी ने बड़ा काम किया है, तो अल्लाह के एहसान है तमाम के तमाम अल्लाह के वली थे, इसमें कोई शक नहीं है। आज की तारीख भले ही उन्हें चोर और डाकू कहे या इसी तरीके से जो भी कुछ कहती रहे, लेकिन हमेशा तारीख ने उनको मुनसिफ और इसी तरीके से इंसाफ पसंद और दीन की इशात करने वाला, इस्लाम की इशात करने वाला पाया है। ये तमाम के तमाम ये समुंदर आप रात देख रहे हैं और जिसके मुतालिक कहा गया, वैसे तो वो शेर तसव्वुफ़ के हवाले से हैं कि दूर बैठा कोई तो दुआएं देता है और मैं डूबता हूँ समुंदर उछाल देता है। इसी तरीके से ये हमारे दोस्त यहाँ हैं और ये सामने सोमनाथ का मंदिर आप देख रहे हैं सामने है, यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर है, अभी हम वहाँ भी गए थे। तो